नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबी इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ इस वक्त अरविंद कुमार सिंह। बांदा में भारी मशीनों से हो रहे अवैध बालू खनन के चलते पीने के पानी की भीषण समस्या पैदा हो गई है। शहर के बाहर केन नदी के दोनों किनारों पर बने इंटक वेल जो पूरे शहर की प्यास बुझाते हैं, पानी की कमी के चलते बंद होने की कगार पर है। एक और जहाँ उत्तर प्रदेश सरकार बांदा सहित पूरे बुंदेलखंड के लिए गर्मी के होने वाले पानी की समस्या के लिए हजारों करोड़ रुपए की कार्य योजना बना तो डाली, लेकिन नदी की जलधारा से बालू की भारी मशीनों से हो रही लगातार खुदाई के चलते केन नदी अपना अस्तित्व खोती जा रही है। वही बालू ठेकेदारों द्वारा केन की जलधारा को रोक देने के चलते पानी इंटकवेल तथा नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे शहर में पानी का भीषण जल संकट उत्पन्न हो गया है। वहीं जल संस्थान ने कई बार पानी के लिए रास्ता तो बनाया, मगर बार बार जलधारा रोक जाने के कारण यह समस्या बराबर बनी हुई है, जिसके कारण शहर के खुटला छोटी बाजार, रोहनिया, मर्दन नाका, कैलाशपुरी सहित आधा दर्जन से अधिक मोहल्लों में पानी की भारी किल्लत बनी हुई है। एक और जहां पानी की इस विकराल समस्या के लिए केन नदी का लगातार सूखना है, वहीं दूसरी तरफ बिजली की सही आपूर्ति का न होना भी इस समस्या के लिए जिम्मेदार है। अगर जल्दी ही इस समस्या का समाधान नहीं खोजा गया तो शहर के हालात और ख़राब हो सकते हैं।